आज सीबीआई की टीम पीड़िता के परिवार से मुलाकात करके रवाना हो रही है। ये तीसरी बार है जब मौकाए वारदात पर सीबीआई की टीम पहुंची, क्योंकि इससे पहले छोटू का बयान आया था, उसके बाद सीबीआई की टीम पहुंची थी और अब छोटू के साथ में पहुंची है। ये मुलाकात, ये जांच इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले भी पीड़िता के भाई और पीड़िता के पिता को बुलाया गया था, और जो आप टीम को निकलते हुए देख रहे हैं, इसने पहले भी पूछताछ की थी पीड़िता की भाभी से, पीड़िता की माँ से। ये बेहद महत्वपूर्ण आज का ये नजर आ रहा है, और क्राइम सीन पर जाना और उसके बाद यहां पर वापस आना बेहद महत्वपूर्ण है। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि यहां से क्राइम सीन की दूरी ज्यादा नहीं है, थोड़ी ही सी दूर है, और यहां पर सीबीआई का पूरा काफिला है जो थोड़ी ही देर में यहां से रवाना होगा। यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आरोपियों की बात करें, एक आरोपी की उम्र 18 साल से छोटी मिली, जबकि एसआईटी की जो जांच थी उसमें भी पता नहीं चल पाया और लोकल पुलिस भी पता नहीं कर पाई कि उम्र 18 साल से कम क्यों है। जो विरोधाभास है वो विरोधाभास साफ तौर पे नजर आ रहा है, और यही टीम जो जांच टीम है सीमा आहूजा की अध्यक्षता में, ये विरोधाभास की जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो भी बयान आए वो बयान कहीं ना कहीं विरोधाभासी है पीड़िता परिवार को लेकर, और पीड़िता परिवार से लेकर जो आरोपी पक्ष है उनका, आरोपी पक्ष से भी कल जेल में जाके मुलाकात की थी और आज भी कई प्रत्यक्षदर्शियों को बुलाया गया है। यानी सीबीआई की जांच अब उस दौर में पहुंच गई है जहां सीबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करें, फॉरेंसिक एविडेंस की बात करें, मेडिकल एविडेंस की बात करें, वो जुटाए हैं, और अब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है। यानी जो बयान दिया है अगर साक्ष्य उससे नहीं मिलते हैं तो दोबारा बयान लिया जा रहा है, और दोबारा बयान लेने के लिए ही सीबीआई की टीम यहां गांव में पहुंची थी, और अब सीबीआई की टीम एक घंटे की पूछताछ के बाद रवाना हो रही है। विजिलेंस पवन तिवारी के साथ राहुल डबाज, हाथरस। हाथरस में पीड़ित परिवार से सीबीआई की विशेष अदालत ने करीब एक घंटे तक पूछताछ की और उनसे कई सवाल जवाब भी किए। पीड़िता के भाई से बात की न्यूज स्टेट संवाददाता राहुल डबास ने। सीबीआई का विशेष जांच दल पीड़िता के घर पहुंचा, परिवार वालों से बातचीत की। हमारे साथ पीड़िता के भाई हैं, दूसरी बार आए हैं क्योंकि इससे पहले आपकी माताजी भाभी से मुलाकात हुई थी, पूछताछ की गई थी, आपको वहां बुलाया गया था। इस बार क्या कुछ नया था, किस वजह से आए? नया कुछ नहीं था, जो पुराने जो 14 तारीख घटना की उसके बारे में पूछ रहे थे, मम्मी से भी पूछ रहे थे, हल्का थोड़ा मैसे पूछा, क्योंकि आज कुछ स्टाफ में कुछ नए लोग आए वापस इनके डिपार्टमेंट, उसमें तो उन्होंने पूछा था, इन्होंने तो नहीं पूछा, जो नई मैडम आई उन्होंने पूछा था मेरे से। तो जब आपसे मुलाकात हुई थी उसके बाद फिर छोटू को बयान आया था, छोटू ने कहा था कि आप मौका वारदात में मौजूद थे, फिर आप थोड़ी देर के लिए गायब हो गए, फिर दोबारा आए, क्या ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो पूरे मतलब कि जो ये 14-15 दिन में जब आया है तो सब कुछ सीख पड़ के आया, जो भी कुछ है इसमें जो और कुछ करना था तो सामने ही आता ना, इस वजह वो पूरी तरह झूठ बोल रहा है। क्या वजह नजर आ रही है, कौन पीछे नजर आ रहा है छोटू के बयान के, जो छोटू लगातार कह रहा है अपने बयान पे? छोटू अपने बयान देगा, उसके जो भी वो साथ में होता है बयान देंगे, जो हमारी जो हकीकत है वो तो हम हकीकत अपने जब तक जो जितने भी पूछे जाओगे हमारी जो हकीकत है वो हकीकत हमारे मुंह से निकलेगी, जो सत्य है वो निकलेगी, उसके अलावा कोई बात निकलेगी नहीं हमारे यहाँ से। जिस तरीके सीबीआई की जांच चल रही है, आपसे पूछताछ की गई, जेल में जाकर आरोपी से पूछताछ की गई, आई विटनेस को बुलाया गया, आपको लगता है कि सही दिशा में ही इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा बहन के लिए? अभी देखिए, अभी स्टार्टिंग है, अभी देखो किधर की दिशा में जाएगा ये, तो देखो हम तो भरोसा करने से होगा, अब तो देखो क्या होता है। आरोपी की मार्कशीट आई है, पता चला है कि वो 18 साल से छोटे उम्र के थे, आपको लगता है, क्योंकि आरोपियों की बात करें आप जानते थे, पड़ोस में इसी गांव के रहने वाले, 18 साल से छोटे थे क्या वो? ये तो मेरे को पता नहीं है, क्योंकि वो तो सब कुछ सब चीज में जानकारी, वो काम ड्यूटी करता है, बाहर भी काम करके आया है वो दिल्ली नोएडा अपने, तो ये तो आधार कार्ड में पता पड़ जाएगा उसका, आधार कार्ड जो कुछ है। व्यूजनलिस्ट पवन तिवारी के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, हाथरस।